Hello guys, welcome back in Movies Mania World. तो फिर से स्वागत है टॉप 10 एनिमेशन मूवीज के एक नए एपिसोड में। तो आज इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे टॉप 10 बेस्ट एनिमेशन मूवीज जो अलग अलग कंसेप्ट पर बनी है, जिसे देखने में बहुत ही एंटरटेनिंग लगता है। और इन मूवीज़ को आपने शायद कभी ना कभी मिस कर दिया होगा। और अगर आप किसी भी मूवीज़ को मिस नहीं करना चाहता है तो वीडियो पर ज़रूर अंत तक बने रहना। और ये मूवीज़ आपको हिंदी डब पे देखने को मिल जाएगा। और इन मूवीज़ को कहाँ देखना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो ज़्यादा देरी नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 10 पोजीशन पर है 2017 की द इमोजी मूवी। तो ये कहानी है इमोजीज की, जो हर किसी का फ़ोन में होता है। अगर आप टेक्स्ट में इमोजीज का इस्तेमाल करता है तो आप ज़रूर जानते होंगे कि इमोजीज का क्या काम है। तो इस मूवी में यही कहानी है कि इमोजीज किस तरह काम करता है। इस मूवी के अंदर आप अपनी फ़ोन के अंदर की दुनिया देख पाएंगे, जो शायद आपने पहले कभी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। और इस मूवी को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। नंबर 9 वाली मूवी है 2018 की वेरी ऑफ द लैंटर्न। इस मूवी के अंदर एक यूनिक सा कहानी देखने को मिलता है। एक बूढ़ी औरत एक मिस्ट्रेस एक्सपेरिमेंट करता है, जिसकी बात वो सर को अपने हिसाब से बार बार शुरू कर सकता है। आखिर ये सब का क्या मतलब है, इसके लिए मूवी देखिए। मूवी आपको यूट्यूब पर देखने को मिल जाएगा। मूवी के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, चाहो तो देख लेना। नंबर 8 2020 की जंगल बीट द मूवी। तो ये कहानी है एनिमल्स की। और इन जानवरों के बीच एक दिन एक जानवर आ जाता है जो बाकी लोगों से बहुत अलग होता है, क्योंकि ये एक एलियन होता है जो धरती पर राज करने को आया है। तब उन सब के बीच दोस्ती बढ़ने लगता है। उस एलियन के अंदर हर फीलिंग जागने लगता है। तब वो अपनी रास्ता किस तरह ढूंढता है, इसके लिए मूवी देखिए। मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगा। नंबर 7 2012 की एस्केप फ्रॉम द अर्थ। तो इस मूवी के अंदर कहानी दिखाया है दो बाय एलियंस की। इसमें स्कॉर्च को एक मिशन मिलता है जिसको डार्क प्लेनेट पर जाना है। डार्क प्लेनेट वो होता है जिस प्लेनेट से आज तक कोई भी वापस नहीं आया है। और ये प्लेनेट पृथ्वी होता है। और स्कॉर्च निकल पड़ता है पृथ्वी के ऊपर। स्कॉर्च इंसानों के हाथ पकड़ा जाता है। तब उसकी भाई हैरी उसे छुड़ाने के लिए पृथ्वी पे निकल पड़ता है। और आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। नंबर 6 पे है 2004 की द पोलर एक्सप्रेस। तो इस मूवी के अंदर कहानी दिखाया है, बहुत रात में एक ट्रेन आता है जिसमें हर बच्चा बैठ जाता है, क्योंकि ये ट्रेन सीधा सेंटा क्लॉस के ओर ले जाएगा। और ये सफ़र रोमांचक से भरी एक एडवेंचर होने वाला है, जिसमें बच्चे लोग सेंटा क्लॉस से मिल पाएगा या बस ये एक सपना ही हो जाएगा, ये सफ़र मैं आप पर छोड़ता हूँ। और आप इस मूवी को बुक माई शो पे देख सकते हैं। नंबर 5 पर है 2011 की ए मॉन्स्टर इन पेरिस। तो इस मूवी के अंदर कहानी दिखाया है पेरिस में एक बहन की भाई की गार्डन में एक मॉन्स्टर रहता है और लोग उससे खतरा समझता है। पर यह मॉन्स्टर उस भाई की बहन से मिलता है तो कहानी कुछ और ही देखने को मिलता है। और आप इस कहानी को कंटिन्यू करना है तो मूवी देखिए। मूवी आपको यूट्यूब पर देखने को मिल जाएगा। मूवी के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, चाहो तो देख लेना। तो नंबर 4 पोजीशन पर है 2014 की पेंगुइन्स ऑफ मडागास्कर। तो ये मूवी मडागास्कर मूवी सीरीज की पेंगुइन्स के ऊपर बेस है। तो ये कहानी है पेंगुइन्स की। और ये पेंगुइन्स जितनी ही क्यूट देखता है उससे कहीं गुना खतरनाक भी है। और आप वो सब मिलता है अपनी जानी दुश्मन डॉक्टर ऑक्टेवियस से, जो हर पेंगुइन्स को दुनिया से मिटाना चाहता है। और पेंगुइन्स को डॉक्टर ऑक्टेवियस को रोकना है। और ये किस तरह होता है इसके लिए मूवी देखिए। मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगा। नंबर 3 पर है 2011 की
आर्थर क्रिसमस। तो इस मूवी के अंदर कहानी दिखाया है सेंटा क्लॉस और उनके टीम एफ मिलकर दुनिया भर में बच्चों के लिए प्रेजेंट बांट रहा है, जिसमें उन सबसे बहुत बड़ी गलती हो जाता है क्योंकि एक बच्चा छूट जाता है जिसे कोई प्रेजेंट नहीं मिलता और नॉर्थ पोलवासी इस बात से बहुत ही परेशान हो जाता है। और आर्थर जो सेंटा क्लॉस का बेटा है वो इस बात को सहन नहीं कर पाता है और वो निकल पड़ता है उस बच्चे को गिफ्ट देने के लिए। और आप इस मूवी को अमेजोन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। नंबर टू वाली मूवी है 2014 की द बॉक ऑफ लाइफ। तो इस मूवी के अंदर कहानी दिखाया है दो लड़का और एक लड़की की जो आपस में बहुत ही अच्छा दोस्त होता है और मारिया को एक दिन उन दोनों से बहुत दूर जाना पड़ जाता है। अब सवाल ये है कि मारिया वापस आएगा तो वो किसे चुनता है, मारिया की जीवन साथी कौन बनेगा। ये प्यार से भरी एक रोमांचक कहानी होने वाला है और आप इस मूवी को डिज्नी प्लस पर देख सकते हैं। नंबर वन पे है 2021 की द मीट चिल वर्सेस द मशीन। तो मूवी के अंदर कहानी दिखाया है मीट चिल फैमिली एक ट्रिप पर निकलता है और दूसरी तरफ से दुनिया पर मशीनों का कब्जा हो जाता है और मीट चिल फैमिली को ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं होता है और वो निकल पड़ता है दुनिया को बचाने के लिए और मशीनों का खत्मा करने के लिए। और ये किस तरह होता है और ये किस तरह की एडवेंचर होने वाला है इसके लिए मूवी देखिए, मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगा। तो इसी के साथ हम वीडियो को यहीं एंड करेंगे। ऐसे ही कंटेंट्स के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप सच में एक मूवी फैन है तो ज़रूर करना, और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, जो भी हो कर देना। और हम फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड और नई टाइम पर।